अरे यार बेबी, तुम्हारे पीछे से बंदा निकल गया, मारा नहीं तुमने उसको? अरे बेबी मैं मार देती पर मुझे दिखा ही नहीं। बेबी थोड़ा ढंग से खेलो यार, चिकन डिनर करना है। बेबी कौन है ये बेबी? बेबी पापा, बेबी तो मेरा दोस्त है। लेकिन ये तो लड़की की आवाज है। हाँ पापा, वो बेबी ना बचपन में एक बार छत से गिर गया था, तो तब से लेके आज तक उसकी आवाज खराब ही है। कुछ भी। अरे बेबी पापा को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। नहीं नहीं, ये लड़की ही है। अरे पापा ये बेबी है, मेरा दोस्त, बताया तो आपको इसकी आवाज खराब है। तू एक काम कर, इसको वीडियो कॉल पे ले। वीडियो कॉल? अभी मजा आएगा ना वीडियो। बेबी मैं ना तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, तो उठाना एक बार। ठीक है। हेलो बेबी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ यार। देख लो पापा। हेलो कैसे हो अंकल? चलो ठीक है बेबी, ध्यान रखना अपना, फिर बाद में बात करता हूँ। ओके। बच गए। तू एक काम कर, इसको वीडियो कॉल पे ले। वीडियो कॉल? यार ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यार मैं और रचित बहुत बुरे फंस गए हैं, प्लीज यार हेल्प कर दे। क्या, कैसी हेल्प चाहिए? देख मेरे पास एक आइडिया है, तेरे पास एक वीडियो कॉल आएगी, तुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी, बस तुझे लिपसिंग करनी है और पीछे से आवाज मैं दूंगी। पता है हरामी हो बेटा। पता नहीं कैसे कैसे दोस्त पाल रखे हैं, इसीलिए तेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, मन लगता है मेरा पढ़ाई में। मुझे पता है तेरा कितना मन लगता है, कल से तेरे ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अरे हाँ हाँ पापा सॉरी, वो बस अभी पढ़ाई करने बैठ ही रहा हूँ। पूरा दिन पबजी में लगा रहता है और दोस्त भी है लुगाई जैसे बना रखे हैं। ये सब छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगा ले। ठीक है पापा, बस अभी रात भर बैठ के ना सारी तैयारी कर लूंगा एग्जाम की। तैयारी कर लूंगा। अरे बेबी मारो ना इसको, तुम्हारे पीछे है बंदा। नहीं आ रहा समझ, नहीं आ रहा, अलजेब्रा के चक्कर में जीरो मिलता है यारा। अरे यार कल मैथ्स का पेपर है और कुछ भी नहीं आता, अगर तैयारी नहीं करी ना तो दिक्कत हो जाएगी। पढ़ लेता हूँ यार थोड़ा बहुत। चलो यार पढ़ते पढ़ते एक घंटा हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ। क्या अभी बस 5 मिनट हुई है? अरे यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से पापा अलग से दिमाग खराब कर रहे हैं, अगर फेल हो गया ना तो जीना आराम कर देंगे मेरा। पढ़ लेता हूँ यार, रात रात में पूरी किताब निपटा दूंगा। पढ़ ले भाई पढ़ ले, कैसे भी कर ले बस पढ़ ले। चलो अब मेरे को पढ़ाई करते करते 3 घंटे हो गए, अब थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। क्या बस 7 मिनट हुए हैं अभी? भाई पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, पापा जान से मार देंगे नहीं तो। अरे यार अब तो बहुत थक गया मैं पढ़ाई करते करते, थोड़ी देर बाहर देख के आता हूँ घर वाले क्या कर रहे हैं। अलजेब्रा के चक्कर में जीरो मिलता है यारा। आ गया तू उठ के? अरे पापा तब से पढ़ाई कर रहा हूँ, पता भी है पढ़ाई करते करते कितने घंटे हो गए मेरे को? कितने घंटे हो गए घड़ी में देख, 8 मिनट भी पूरे नहीं हुए, उसमें भी 8 सेकंड बाकी है। फिर से 10 मिनट भी बैठ के पढ़ा नहीं जाता, पबजी खिला लो पूरा दिन बैठ के खेल लेगा। कुछ नहीं हो सकता बेटा तेरा, तू बर्बाद है बर्बाद। अपनी बहन से सीख, सारा दिन बैठ के कमरे में पढ़ती रहती है वो। कल पेपर है तेरा, थोड़ी बहुत शर्म आती हो तो बैठ के पढ़ लिया कर, तेरे माँ बाप अपना पेट काट कर पाई पाई जोड़ कर तेरे को पढ़ा लिखा रहे हैं। हाँ मम्मी कर रहा हूँ जाके पढ़ाई, इनका लेक्चर सुनने से तो जाके रूम में ही बैठ जाता हूँ। मर गए होंगे सारे। अरे यार अब मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने सब पढ़ लिया, बाकी एक काम करता हूँ सारे दोस्तों से फोन करके पूछता हूँ किसकी कैसी तैयारी है। सबसे पहले बेबी को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ सिब्बू क्या कर रही है? कुछ नहीं यार,
नेल पॉलिश लगा रही थी। अरे कल एग्जाम है यार, और तू इन सब में लगी हुई है। अरे ऑनलाइन एग्जाम ही तो है, ऑनलाइन में कौन पढ़ता है, हो जाएंगे पास। खूब चीटिंग करेंगे, मस्त पेपर जाएगा, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, कल देखना बस तुम। हाँ यार बोल तो तू ठीक रही है। हाँ हाँ चलो अभी मैं रखती हूँ, कल सुबह मुझे पार्लर भी जाना है, अब ऑनलाइन एग्जाम है, थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा चल ठीक है बाय। ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, इसका भी सब कुछ डन है, पर एक बार फिर भी रिवीजन कर लेती हूँ। चलो अब गुड्डू से फोन करके पूछता हूँ उसकी कैसी तैयारी है। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है भाई। बढ़िया। और भाई क्या चल रहा है भाई। कल एग्जाम है तो सोच रहा हूँ थोड़ा पढ़ लूँ। हाँ साले तू एक पढ़ाकू है ना पूरी दुनिया में, तू तो पढ़ेगा ही। अबे ऑनलाइन एग्जाम है, क्या करेगा पढ़ के, ऐसे ही पास हो जाएंगे भाई। भाई बात तो तू सही कह रहा है, पर फिर भी एक काम करते हैं, 1 से 4 नंबर वाले चैप्टर तू कर लियो, 5 से 10 नंबर वाले चैप्टर मैं कर लेता हूँ। मैं तुझे फोन पे बताता रहूंगा और तू लिखता रहियो, सिंपल। वैसे तेरा आइडिया तो एक नंबर है। चल ठीक है फिर ऐसा ही करते हैं। ओके भाई मैं फोन रखता हूँ, मेरे को अभी पढ़ना भी है। चल ठीक है बाय बाय। साले का कोई भरोसा नहीं है, 1 से 4 नंबर वाले चैप्टर मैं ही कर लेता हूँ, वरना फेल करवा देगा मुझे। विभू से और पूछता हूँ कैसी तैयारी है उसकी। हेलो। हेलो। हाँ भाई क्या हाल है और क्या कर रहा है। अरे तू तो कल के एग्जाम के लिए पढ़ ही रहा होगा। अरे तुम कौन कौन हो भाई। भाई मैं, तेजस्वी, योगिता और साहिल, हम सब साथ में ही हैं। सारे एक साथ हो। हाँ भाई। अरे तुम सब लोग साथ में क्या कर रहे हो भाई। पबजी खेल रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, आज तो चिकन डिनर करके ही जाएंगे। अरे भाई मौज कर दी पूरी मौज। तुम सब पबजी का नाम लगा के पढ़ाई तो नहीं कर रहे ना एक साथ। बे नहीं बे, दोस्ती में दगा थोड़ी देंगे, हम तो पूरी रात पबजी खेलते हैं। इनफैक्ट हम तो घर वालों को झूठ बोल के पूरी रात ग्रुप स्टडी के नाम पे पबजी खेलते हैं, बड़ा मजा आता है। और वैसे भी ऑनलाइन एग्जाम है, कौन पढ़ता है, ऐसे ही पास हो जाएंगे। अच्छा चलो फिर मैं भी ना तुम्हारे पास आ जाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, पागल कोरोना है, तू घर पर ही रह। हाँ यार वैसे ये बात भी है। चल ठीक है बाय। अरे यार कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा एग्जाम को, तो मैं अकेला पढ़ के क्या करूंगा। एक काम करता हूँ यार, रात बहुत हो गई है, सो जाता हूँ, सुबह उठ के थोड़ा बहुत रिवीजन कर लूंगा। पर यार सोने से पहले सुबह ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन तो कर लूँ। पर यार ऑनलाइन एग्जाम उसमें क्या प्रिपरेशन करनी, एक लैपटॉप चाहिए, एक चार्जर, ये है ही, बस फिर आराम से सोता हूँ। बहुत रात हो गई, 11 बज गए, प्रिपरेशन तो हो गई। चलो भाई सो जाओ। अबे ओ कुंभकर्ण की औलाद, मेरा मतलब है खड़ा होले, तेरा ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गया। तेरी बहन को देख कब से तैयार होके बैठी हुई है, खड़ा हो चुपचाप और पेपर की तैयारी कर ले, चल बैठ। शिट, लेट हो गया, मेरा एग्जाम निकल जाएगा सारा। बस खुल जा। कपड़े। एग्जाम में लेट आए हो ना, देखना तुम्हारे तो मैं नंबर काटूंगी। मैम सॉरी। क्यों हंस रहे हो सारे के सारे, चुप हो जाओ और अपना एग्जाम करो। अलजेब्रा के चक्कर में 0 मिलता है यारा।
बच्चों अच्छे से पेपर करो, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ नजर है मेरी। सो गया ये जहां, सो गया आसमान। तू क्या कर रहा? नथिंग सर, नथिंग, कुछ भी नहीं, एग्जाम कर रहा हूँ। चल कपड़े उतार अपने, चल। क्या सर, ऑनलाइन एग्जाम है की? अरे हाँ, चल कोई नहीं, अपना कैमरा घुमा तू, घुमा घुमा, जल्दी घुमा 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 के दिखा मुझे। अबे इसके पीछे तो बुक पड़ी है। ठीक है, यहाँ वहां देखेगा ना तो क्लास से बाहर कर दूंगा। चुपचाप पेपर कर अपना। जी सर। अभी ये तो चीटिंग कर रहा था, इसको पकड़ा नहीं। सो गया ये जहां, सो गया। ओए गुड्डू खड़ा हो, तू पक्का चीटिंग कर रहा है? सर कुछ नहीं, मैं तो अपना पेपर कर रहा हूँ। कैमरा घुमा अपना, चल पूरा 360 डिग्री घुमा, एक घुमा घुमा पूरा 360 घुमा। अरे लेकिन ये तो चीटिंग करता ही नहीं कभी, ये तो पढ़ने वाला बच्चा है। तेरा पेपर तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बहुत चीटिंग कर ली तूने। सर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब जो चीटिंग कर रहा था उसको कुछ नहीं बोला, और जिसने चीटिंग नहीं करी उसका पेपर कैंसिल। बाकी तुम सारे अपना चुपचाप पेपर करो। सो गया ये जहां, सो गया आसमान। अरे पदोड़े सर, सो रहे हो आप? अरे नहीं सर, नहीं सर, मैं कहां सो रहा हूँ सर। तो फिर क्या कर रहे हो ये? नहीं सर, मैं एक लड़के पे बहुत देर से नजर रख रहा था, मैं सो नहीं रहा था, मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि मैं सो रहा हूँ तो वो चीटिंग जरूर करेगा। और सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ, मैंने पकड़ लिया उसको, और वो यही है गुड्डू। नो सर, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं तो अपना पेपर कर रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, आप इसका पेपर कैंसिल करो अभी के अभी, इसका पेपर कैंसिल करो आप। अरे ऑलरेडी डन सर। वेरी गुड, ध्यान रखना एग्जाम चल रहा है, मैं जा रहा हूँ। हाँ सर, वो मेरा चारों तरफ नजर रहती है बिल्कुल मेरी। सो गया ये जहां, सो गया। चलो भाई सारे के सारे नंबर लिखो। यस सर, बोलिए। नंबर लिखे 98971, बाकी सब डम टिकट का डम डम डम। उसके आगे डम टिकट डम डम डम। चलो अब सारे के सारे 100-100 रुपए पेटीएम कर दो इस पे। पेटीएम क्यों करना है सर? लेकिन अबे पास होना है नहीं होना? हाँ हाँ सर पास तो होना है। तो जल्दी से इस पे पेटीएम करो, 3 घंटे में से 1 घंटा कुछ नहीं बोलूंगा, 1 घंटे की फुल छूट। ठीक है सर, पेमेंट डन आपकी। सर डन। डन सर, डन डन सर, हो गया पेटीएम। सर हो गई पेमेंट, हो गई सर। डन हो गया सर, डन। पेटीएम पर 300 रुपए प्राप्त हुए। पेटीएम पर 300 रुपए प्राप्त हुए। अरे भाई आज तो पैसा ही पैसा, मौज आ गई रे। चलो एग्जाम स्टार्ट हो गया, 1 घंटे के लिए जिसको जो कुछ करना करो। बस हो गया घंटा, अब किसी ने इधर उधर देखा तो सबके पेपर कैंसिल कर दूंगा। बट मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया है सर? अगर तुम सब 500-500 रुपए और भेज दो ना तो तुम्हें 1-1 घंटा और दे दूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ये सही है साला, 500 रुपए और दे देता हूँ और पूरी दबा के चीटिंग करूंगा। कर ही देती हूँ यार, 1 घंटा और मिल जाएगा। डन सर, 500 रुपए डन। सर हो गया, सर हो गया। चलो भाई जिसने पेमेंट कर दी ना हाथ खड़े कर लो। चलो बेटा तुम लोगों की तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये 4 लोग है ना जिन्होंने पेमेंट नहीं करी, वो चीटिंग कर ली तुम लोगों ने 100-100 रुपए में मेरी क्लास में। अगर अब की बार चीटिंग करी ना तो लात मार के बाहर कर दूंगा क्लास से। चीटिंग करते रहते हैं चीटर लोग, चीटर कहीं के आराम खोर निकम्मो, चपड़ासी बनोगे चपड़ासी। अबे क्या कर लोगे अपनी जिंदगी में तुम? हाँ मैंने तो पेमेंट कर दी, मैं तो अपनी चीटिंग स्टार्ट करूं। बस 2 घंटे हो गए, टाइम खत्म।
लेकिन लास्ट का एक घंटा बचा है, तुम सब 1000 रुपए और पेमेंट कर दो ना तो तुम बाकी समझदार हो ही। अरे यार 1000 रुपए तो बहुत ज्यादा होते हैं। 1000 रुपए भी दे ही देता हूँ, साला चीटिंग करके पूरा पेपर एकदम मस्त करूंगा। सर 1000 रुपए की पेमेंट भी डन। ठीक है बेटा तुम लिखो पेपर, तुम्हारे लिए फुल छूट है, तुम करो पेपर, पेपर करो बेटा। अवाबाजी तुम देश का भविष्य हो, अगर बाकी को हिला ना हड्डी पसली कमीनों की ये कर दो कंजर कहीं के। अबे यार ये क्वेश्चन नंबर 5 तो आउट ऑफ बुक है, ये बुक में है ही नहीं। ओए ओए विभू यार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दे। नहीं नहीं तूने 1000 रुपए दिए तो है, खुद कर ले। यार साहिल भाई तू बता दे क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्या बताऊं, 1000 रुपए तूने दिए ना, मैं कुछ नहीं बता रहा, चल। गुड्डू भाई भाई एक बार क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बता दे यार प्लीज। क्यों बताऊं, 1000 रुपए दिए ना तूने, अपने आप कर। सिब्बू यार तू बता दे, व्हाट्सएप पे भेज दे क्वेश्चन नंबर 5 यार। मैं कैसे व्हाट्सएप करूं, पहले बात मुझे आता नहीं है और दूसरी बात तुमने मेरा रिचार्ज नहीं करवाया। अबे यार 1000 रुपए दे के फंस गया मैं। अरे सर कोई रिफंड पॉलिसी भी है क्या? रिफंड पॉलिसी साले क्या ऐसा रैपट मारूंगा, फ्लाइट में हुआ है, रिफंड पॉलिसी चाहिए से? चुपचाप पेपर कर ले, सुझा दूंगा पिछवाड़ा तेरा। रचित क्या कर रहा है तू? अरे मैडम कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मुझे पता है तू चीटिंग करने वाला था। अरे लेकिन मैडम मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। हाँ ठीक है कर ले। ओए सिब्बू सीधी बैठ, चुपचाप होके। लेकिन मैम मैं तो सीधी बैठी हूँ। हाँ लेकिन तू टेढ़ी होने वाली थी, इसीलिए मैंने तुझे पहले ही टोक दिया। कुछ भी चुप हो जाओ मेरे बच्चे, चुप हो जाओ, रोते नहीं बच्चे। ओ ले 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 ले। रो मत बच्चे, रो मत। बनू आके रसोई का काम कर ले। आई सासू माँ, और टीचर हूँ मैं, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। अरे झाड़ू पोछा कर दे आके। अरे आ रही हूँ, पहले ये काम तो कर लूँ। इस किचन में राशन भी ना मेरे पैसों से आने वाला है। हाँ, सुना मत मेरे को, यहाँ आके काम कर ले घर का। हाँ हाँ आती हूँ, पहले ये काम तो कर लूँ। तुम सब क्यों हंस रहे हो, एग्जाम करो अपना। तो चलो बच्चों आज तुम्हारा वाइवा होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर कौन है? योगिता तुम। चलो टेल मी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। वेरी गुड योगिता, वेरी गुड। शिट यार अगला नंबर मेरा, ये क्या करूँ। एक काम करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ और नीचे चला जाता हूँ। अब लॉग इन करूंगा ना तो सबसे नीचे जाके आएगा मेरा नंबर। चलो विभु यू टेल मी व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर ह्यूमन यूज। ओके गुड। अरे यार मेरा नंबर आ गया फिर से लॉग आउट कर देता हूँ। अब लॉग इन करूंगा, सबसे नीचे पहुंच जाऊंगा। रचित एक बात बताओ, जैसे ही तुम्हारा नंबर आने वाला होता है तुम नीचे कैसे चले जाते हो? पता नहीं मैम, वो मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लगता है मैम आपके इंटरनेट में कोई इशू आ रहा है। बेटा अब तो आ गया इशू, लेकिन अगर इसके बाद एक और बार ये इशू आया ना तो सबसे पहले तुझसे ही पूछूंगी, उसके बाद जाता रहिए ऊपर नीचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो साहिल डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड हैव पीएच वैल्यू less than 7, base have pH value more than 7, salt have pH value of 7. ठीक है, next चलो तुम बताओ तेजस्वी, what is reproduction?
शांत हो जाओ सारे। बताओ तेजस्वी, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? मैम, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर लिविंग बींग्स ऑफ इट्स ओन काइंड। ओके, वेरी गुड। चलो सिबू, तुम बताओ व्हाट इज इकोसिस्टम? मैम, इकोसिस्टम वाज क्रिएटेड बाय शाहजहां इन 1460 एंड शाहजहां कट्स हैंड हु क्रिएटेड इकोसिस्टम, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो? तुमने हिस्ट्री को साइंस में घुसा दिया। रुको, तुम्हारे तो ना वाइवा के सारे नंबर कट। हाँ रचित बेटा, अब तो नहीं है ना कोई इंटरनेट का इशू। चल अब बता, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एवरेज राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। ये तुम लैपटॉप से पढ़ पढ़ के बता रहे हो ना? अच्छे से बोलो, और सामने जो तुमने लैपटॉप पे खोल रखा है ना, सब पता है मुझे, ढंग से बताओ। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम थोड़ा साइड घूमो, इधर और थोड़ा सा इधर घूमो, घूमो घूमो और थोड़ा घूमो, अब बताओ। यार क्या करूं, व्हाट्सएप करके आंसर मंगवा लेता हूं व्हाट्सएप पे। ये नीचे क्या कर रहे हो तुम? क्या है नीचे? नहीं मैम, नीचे क्या है मैम, नीचे तो कुछ भी नहीं है मैम, कुर्सी है कुर्सी। तुम एक काम करो, खड़े हो और सामने जाओ, सामने जाके खड़े होके बताओ। हाँ अब बताओ, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? मैम ग्लोबल वार्मिंग इज, मैडम ये ना रचित रोजा है, चीटिंग जो है ना इसके खून में है, ये भी चीटर, इसका बाप भी चीटर, मैं बता रहा हूँ आप इसे चीटिंग करने से रोक ही नहीं सकते। मैडम एक नंबर का चीटर है ये। हाँ मैडम, बहुत बड़ा चीटर है ये। चल बेटा एक काम कर, अपनी आंखें बंद कर और अब सुनाओ मुझे। देखती हूँ मैं कैसे चीटिंग करता है तू। मैम ग्लोबल वार्मिंग इज टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट अर्थ। अरे यार मैडम मुझे नहीं आता, आप काट लो नंबर। अबे यार ग्लोबल वार्मिंग फालतू में लगा रखी है, बस पूछते हैं टीचर, ग्लोबल वार्मिंग खत्म करने के लिए तो कुछ करते नहीं है। अरे यार मम्मी एग्जाम चल रहा है मेरा। कर ले बेटा कर, जा रही हूँ। अरे मम्मी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार, एग्जाम चल रहा है मेरा। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा हो गया, मैं जा रही हूँ, तू कर ले। अरे ये क्या सब्जी बनाई है, ना इसमें गरम मसाला, ना हल्दी है, ना मिर्च है, ना अदरक है, ना लहसुन है, हॉस्पिटल वाली दाल उबाल के दे दी है। अच्छा इतने चटकारे आ रहे हैं ना, होटल में जाके खाना खा लिया करो, यहाँ खाने की जरूरत नहीं है समझे। जब होटल में ही खाना खाना था तो तेरे को क्यों बैग लाया मैं? तुम्हें क्या है, तुम्हारे लिए तो हो चाहे ना हो, बबीता 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 के पीछे पड़े रहते हो हर वक्त। ए, बबीता के बारे में कुछ नहीं बोलने का। अच्छा नहीं बोलने का? बच गया। अरे मम्मी पापा ये क्या चल रहा है, मत करो प्लीज, आपको दिख नहीं रहा क्या मैं एग्जाम दे रहा हूँ? अच्छा ठीक है बेटा तू कर ले प्लीज। कलेश करवाएंगे, छोरे का पेपर भी नहीं होने दे रहे, दिमाग खराब करने को आ जाते हैं।
मजबू है पानी पानी पानी। अबे ओ मंद बुद्धि, तुझे दिख नहीं रहा मैं अपना एग्जाम दे रहा हूँ? डिस्टर्ब कर रही है तू मेरे को यार रील्स बनाने के चक्कर में। अरे भाई सॉरी, जा रही हूँ। जो भी याद था सारा भूल गया। अरे रचित बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? Oh, no. अच्छा एग्जाम दे रहे हो? रचित व्हाट्स गोइंग ऑन बेटा? मैडम बस एक मिनट एक मिनट। हेलो मैडम, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं रचित की बुआ। इसका पेपर अच्छे से करवाना, मेरा छोटा बेटा तो पढ़ के डॉक्टर बन गया, इसको भी पढ़ाओ। बेटा तू अच्छे से पेपर करियो और कुछ बड़ा आदि बन के दिखाइयो, ठीक है? अरे बुआ जी, जब आप जाओगे तभी तो एग्जाम लिखूंगा, तभी तो कुछ बनूंगा। हाँ बेटा मैं जाती हूँ, ठीक है तू पढ़ पढ़। यहाँ इतना फ्रेम आ रहा है, अगर मैं इसे बाहर बुक रखूंगा तो मैडम को दिखाई नहीं देगा। हाँ इस तरफ यहाँ टेबल पे बुक रख देता हूँ, मैडम को वो भी दिखाई नहीं देगी। पर जैसे ही मैडम का ध्यान इधर उधर जाएगा दोनों साइड से चीटिंग चालू। सही है भाई, बढ़िया कैलकुलेशन हो गई मेरी तो। मैम मैम, मैं आई गो टू वॉशरूम। नहीं कोई वॉशरूम नहीं जाना, चुपचाप एग्जाम करो अपना। मैम प्लीज जाने दो, मैम बहुत जोर से आई हुई है, मैम प्लीज जाने दो, नहीं तो यही निकल जाएगी। हाँ तो यही कर लो ना, तुम्हारा ही तो घर है ना। अच्छा कराऊं तेरा यहीं पे? अभी अभी पोछा लगाया मैंने यहाँ पे। देखा देखा मैडम, मेरी मम्मी ने मना कर दिया। मैडम अब तो जाने दो, मैडम प्लीज जाने दो, बहुत जोर से पेट पे दर्द हो रहा है, प्लीज। अच्छा ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आना। थैंक यू मैडम, अभी आता हूँ। मैम मे आई गो टू ड्रिंक वॉटर? हाँ अभी पानी पीने जाओगे, फिर वापस आके बोलोगे कि अब सूसू करने जाना है, कहीं नहीं जाना, एग्जाम करो अपना चुपचाप। मैम प्लीज जाने दो, बहुत गर्मी हो रही है और हमारे घर वाले एसी भी नहीं चलाने देते। मैडम गला सूख रहा है, बहुत जोर की प्यास लगी है, मैडम प्लीज जाने दो प्लीज। हाँ ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना पानी पी के। बेटे अरे वाह सेर हो तुम तो, हां माज कर दी वाह बेटे वाह, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। ओ बेटे माज कर दे, देख 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 माज। रुको जरा सबर करो। रचित क्या देख रहे हो तुम इधर उधर? अरे कुछ नहीं मैडम, वो मैं इधर उधर सोच सोच के याद कर रहा हूँ ना, जो मैंने पढ़ा था तो याद करके लिख रहा हूँ वो। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी सीरियस इंजरी है, इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। सीजर। लगता है पेट साफ नहीं करता, सड़ा पड़ा है। नर्स चिमटा।
सुहा ये लो, इसको फेंकना मत, दोबारा काम आएगा। अरे डॉक्टर साहब, मेरे तो दांत में हल्का सा दर्द था, आपने मेरा पूरा पेट क्यों काट दिया? अरे भाई, ऑपरेशन करने का मन था मेरा, तो कर दिया ऑपरेशन। और ये तेरा पेट मैंने इसलिए काटा है क्योंकि अंदर से हाथ डाल के दांत की थोड़ी नसें हिलानी थी, तभी तो जाके तेरे दांत का दर्द सही होगा ना। तू टेंशन मत ले, दिक्कत की कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा तू। अरे वो तो ठीक है, मेरा हाथ कहाँ गया? अरे तेरा हाथ काट के मैंने वॉशिंग पे भेजा है, अभी रिपेयर होके आ रहा है मेडिकल स्टोर से। आपने इसको एनेस्थीसिया नहीं दिया? एनेस्थीसिया? अबे ये क्या चीज है? अरे सर, पेशेंट को ऑपरेशन से पहले लगाते हैं ताकि पेशेंट को बीच में होश ना आए। अरे उसकी क्या जरूरत है, मैंने तो इसके सर पे हथौड़ा मारा और बेहोश कर दिया, मैंने कार्टून में देखा था ऐसे ही करते हैं ऑपरेशन। पर सर, अभी तो इसको होश आ गया था। अरे तो अब बेहोश हो गया ना दोबारा, क्या दिक्कत है? तो सर, आप इतने सालों से ऐसे ही ऑपरेशन करते आ रहे हो? हाँ, ऐसे ही तो होता है ऑपरेशन। वैसे सर, आप कितने सालों से ऑपरेशन कर रहे हो? अरे अब तो कई साल हो गए, अब तो तजुर्बेकार हूं मैं। तब से ऐसे ऑपरेशन कर रहे हो? और क्या, ऐसे ही करता हूँ। अरे होता ही ऐसे है। सर अब डॉक्टर कैसे बने ये बताओ। अरे वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी तेरे को शॉर्ट में बताता हूँ। तो हुआ कुछ यूं। अरे चेत, हेलो, हाय। अरे तुम लोगों को पता है मैं एग्जाम्स में पास हो गया। मैं भी पास हो गई। अरे भाई मैं भी पास हो गया। अरे मैं भी पास हो गई। अरे भाई मैं भी पास हो गया। यार मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, हमारे एग्जाम्स भी अच्छे नहीं हुए थे ना, हमें कुछ आता था, लेकिन फिर भी हम लोग पास कैसे हो गए सब? अबे गोचू, इस बार सरकार ने नियम निकाला है कि सब बच्चों को ऐसे पास कर दो, ऐसे प्रमोट कर दो, नेक्स्ट क्लास में कोई फेल नहीं होगा। सही है यार, मतलब बिना कुछ किए अगली क्लास में। और इस बार सरकार ने मौज कर दी और फिर मैं भी पास हो गया और बन गया डॉक्टर। सर आप एक मिनट ये पकड़ो। अबे यार, अब इसका भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको एनेस्थीसिया ही दूंगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हे गाइस, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक्स और कमेंट्स ठोक दो, और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना कि आपको इस वीडियो का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। और दोस्तों, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके परी मैच को आज के आज डाउनलोड करें। रजिस्टर करने पे आपको मिलेगा अप टू 12,000 का वेलकम बोनस, तो अभी डाउनलोड करें। सो गाइज, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए प्यार बनाए रखें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, फैला दो वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइज, बाय।